गाइस, वेलकम टू अनदर इंग्लिश क्लास। इन द प्रीवियस वीडियो हमने स्पॉटिंग एरर्स के कुछ रूल्स किए थे, आज भी हम वही करेंगे, लेकिन आज ये लास्ट वीडियो। वैसे तो रूल्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो खास रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इन पर आप ग्रिप हासिल कर लें, ताकि आपको स्पॉटिंग एरर्स का काफ़ी मसला हल हो जाए। इसके अलावा इन रूल्स को सीखने से आपके टेंसेस के इश्यूज भी हल हो जाते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नोबडी, एवरीबडी, नन और बहुत सारे जो नेम्स के अलावा होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंड होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको स्पॉटिंग एरर्स के रूल्स बहुत काम आते हैं। तो इस यही वजह है कि अगर आप स्पॉटिंग एरर्स सीख रहे हैं, रूल्स उनके सीख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, राइट? नॉट ओनली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बट यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज रूल है हमारे पास, वो है नन इज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सो द फर्स्ट रूल फॉर टुडे इज नन इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी जिसमें हम सिंगुलर वर्ब कंसीडर कर रहे होते हैं उसके सब्जेक्ट के साथ, तो ये भी नन उसी की तरीके से है। अब हम इसका सेंटेंस देख लें, तो ये होगा नन ऑफ अस वर्क्स देयर। आपने अस या फिर अस की जगह कोई और वर्ड हो, जैसे देम हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट एक चीज याद रखनी है कि नन जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। None of us works there, right? अगर हम इसका एक और सेंटेंस देखें जिसमें ये इसके साथ कुछ भी ना हो, तो इसका सेंटेंस इस तरीके से होगा, None agreed with me. मगर मेरे साथ किसी ने भी इत्तेफाक नहीं किया, right? और अब यहाँ पर आ जाता है सेकंड रूल, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय ईदर और या फिर नीदर नॉर, देन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। अब इसमें बात हो रही है सिंगुलर सब्जेक्ट्स की जो कि कनेक्टेड हो। अब जैसे कि हमने बात की थी कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही चीज नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे और सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन नहीं आता, राइट? उसमें कंपाउंड भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, बहुत सारे भी आ सकते हैं। तो उसको अगर हम देखें, तो जो ईदर और नीदर नॉर है, इसके अगर दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ही और शी गोस to the park. अब यहाँ पर हम देखें तो he और she जो है दोनों singular है और जो ले रहे हैं verb वो भी singular है, right? इसी तरीके से neither nor की condition भी है। अगर यहाँ पर मैं बदल दूँ इसको neither nor से, तो same sentence रहेगा, जैसे neither he nor she goes to the park. अब ना वो चाहता है पार्क, ना वो चाहती है, तो बात एक ही हो रही है, लेकिन उसको मर्ज कर दिया क्या है। तो इसी तरीके से एक बात को याद रखिए कि नीदर या इधर का कोई एक रूल नहीं है, सेवरल रूल्स हैं, और ये तो सिर्फ एक था जिसमें आपको एक चीज़ कंसीडर करने की। हो सकता है कि आगे जाकर ऐसी भी कंडीशन आए जिसमें दोनों सिंगुलर ना हो, फॉर एग्जाम्पल एक अगर प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तब हम क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे रूल्स की तरफ। यू सी, आई हैव रिटन अ कपल ऑफ वर्ड्स ऑन द बोर्ड। अब इन वर्ड्स को देखते हैं कि क्या इनमें सिमिलैरिटीज हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, या फिर ये दोनों ग्रुप्स सेम हैं। पहले वर्ड्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज जिमनास्टिक्स, देन मैथमेटिक्स, देन न्यूज, एंड आफ्टर दैट फिजिक्स, और फिर दूसरा ग्रुप आता है जिसमें है सिजर्स, पेंस एंड ग्लासेस।
अब हमने बचपन में रूल पढ़ा था कि जब हम एस और ई एस किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है प्लूरल। लेकिन अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को स्प्लिट करूं तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स बदल जाते हैं। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये प्लूरल नहीं है। एस एड एन होने से इनका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल हो गए, ये सिंगुलर की तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, अब मैथमेटिक्स, लेकिन हमने जो वर्ब लिया वो सिंगुलर लिया। न्यूज़ के बारे में, व्हाट्स द न्यूज़ फॉर टुडे, आज के लिए क्या खबर है। उसके बाद फिजिक्स भी इसी तरीके से होगा और जिमनास्टिक्स भी। अगर हम दूसरे ग्रुप की तरफ आए तो यहाँ पर हमारे पास है सीजर्स, पेंस एंड ग्लासेस। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि मुझे सीजर दो, इट्स नेवर सीजर। सीजर जो है वो हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाता है, इसी तरीके से पेंस है, इसी तरीके से ग्लासेस है। लेकिन ये रिफर तो किसी एक सिंगल यूनिट की तरफ कर रहे होते हैं, लेकिन ये लेते भी प्लूरल बात है और होते भी प्लूरल ही है। जैसे कि सीजर्स आर हार्मफुल फॉर यंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पर सीजर्स है और हम बोल भी रहे हैं कि प्लूरल वर्ब इसके साथ आ रहा है, लेकिन ये रेफर किसी एक चीज की तरफ कर रहा है, कैंची की तरफ कर रहा है सीजर्स, लेकिन इंग्लिश में इसको एज अ प्लूरल कंसीडर किया जाता है। अब इसी तरीके से पेंट्स है, इट्स नेवर बेंट, राइट। तो इसी तरीके से पेंट्स को हम करेंगे वेयर आर माई पेंट्स, राइट। और ग्लासेस के बारे में भी यही होगा। अगर हम इसमें बात करना भी चाहते हैं कि हमें बहुत सारे ग्लासेस चाहिए तो हम बात करेंगे अ पेयर ऑफ ग्लासेस या फिर पेयर्स ऑफ ग्लासेस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं वर्ड्स में, ये कुछ सिंगुलर प्लूरल के रूल्स हैं जो अगर आप याद कर रहे तो स्पॉटिंग एरर्स आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क मी, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, या फिर आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अभी तक आपने हमारी वीडियोस देखना शुरू नहीं की तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो सी यू नेक्स्ट।